मित्तल कमिंग विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू बिकम गवर्नमेंट स्कूल टीचर। अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है तो आप इसे अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि आप किस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करें। सामान्यतः टीचर की पोस्ट को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, PRT, TGT और PGT। टीचर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि उसके पास टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, जिसके लिए BEd, NDT, BTC जैसे कोर्सेज की डिग्री होना ज़रूरी है और इन कोर्सेज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। PRT, TGT और PGT में काफ़ी अंतर होता है। PRT यानी प्राइमरी टीचर, जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि सिक्स से लेकर टेंथ क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वहीं PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स कौन कौन से होते हैं। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दो तरह के होते हैं, CTET और STATET। CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि CBSE के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और ये एग्जाम प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है। वहीं STATET यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, PRT, PGT, TGT के लिए स्टेट एजुकेशन बोर्ड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि दो पेपर पर बेस्ड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 PRT कैंडिडेट्स के लिए होता है, वहीं पेपर 2 एलिमेंट्री लेवल के कैंडिडेट्स के लिए होता है। जो कैंडिडेट 1st to 8th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं वो दोनों पेपर में अपेयर हो सकते हैं। टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स लाने की ज़रूरत है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने 50% मार्क्स के साथ 12th पास की हो और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। TGT बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में 4 साल की डिग्री प्राप्त कर रखी हो। PGT बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और साथ में BEd की डिग्री प्राप्त कर रखी हो। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर के सैलरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी पे बैंड 29,900 से लेकर 1,04,400 रुपये बेसिक और ग्रेड पे 12,600 है। TGT के लिए सैलरी पे बैंड 29,900 से लेकर 1,04,400 रुपये बेसिक और ग्रेड पे 13,800 है। वहीं PGT के लिए सैलरी पे बैंड 29,900 से लेकर 1,04,400 रुपये बेसिक और ग्रेड पे 14,400 है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियाँ जिनकी मदद से आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना पाएंगे। अगर आपको अभी भी किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप CBSE या NCTE की वेबसाइट पर जाकर अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन विजिट द गवर्नमेंट सेक्शन ऑफ JagranJosh.com और डाउनलोड द सरकारी नौकरी ऐप।